आईपीएल 2024 के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई टीम लग रही है तो वो है यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद। और सनराइजर हैदराबाद इतनी खतरनाक लग रही तो उनकी प्लेइंग 11 कितनी खतरनाक होगी। लेकिन प्लेइंग 11 बनाना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इनके पास प्लेयर इतने ज्यादा और इतने अच्छे प्लेयर इन्होंने ले लिया, कंफ्यूजन ही बहुत ज्यादा होगी कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। इसके बावजूद भी हम यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद की एक परफेक्ट प्लेइंग 11 लेके आ गए हैं, शायद इस बात से आप एग्री भी कर सकते हैं। और अगर आप एग्री करेंगे आपको पसंद आया होगा ये वीडियो या प्लेइंग 11, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जानेंगे। और आज के लाइक हम यहाँ पे वीडियो का लाइक का एम जो रखते हैं दोस्तों वो यहाँ पे 500 है, 500 लाइक दोस्तों आप लोग जरूर कर देना, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है दोस्तों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे प्लेइंग 11 पे डिस्कस कर लेते हैं और बना लेते हैं प्लेइंग 11 यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद की। आप लोग भी बनाओ यहाँ पे प्लेइंग 11 कॉमेंट बॉक्स में। सबसे पहले अगर देखा तो ऑप्शन हमारे पास तीन बहुत तगड़े हैं। अब आगे यहाँ पे जैसे हमने ट्रेविस हेड को ले लिया है और बीच में यहाँ पे अभिषेक शर्मा भी हैं और यहाँ पे मयंक अग्रवाल हैं, आप किसके साथ ओपन करना चाहोगे? देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो 2016 में था ना, यहाँ पे जो हमारे पास जॉनी वेस्ट्रो हुआ करते थे साथ में डेविड वार्नर हुआ करते थे, जो कॉम्बिनेशन था ना वही कॉम्बिनेशन मैं चाहता हूँ एक बार फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिले आईपीएल 2024 में। तो ट्रेविस हेड के साथ मैं यहाँ पे मयंक अग्रवाल के साथ जाना चाहता हूँ। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने लोगों ने, आगे प्लेइंग 11 देखते जाना उसके बाद यहाँ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड हो गए। नंबर तीन पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे अभिषेक शर्मा को। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, नंबर तीन पे मैं यहाँ पे अभिषेक शर्मा के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है नंबर तीन पे स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, ये हिटिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, तीन नंबर के लिए परफेक्ट पोजीशन है। नंबर चार पे हमारे पास एक और स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर है जिसका नाम है राहुल त्रिपाठी। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, राहुल त्रिपाठी भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं नंबर चार पे और इनको खिलाना चाहिए, प्लेयर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इस साल उन्होंने अच्छा किया है, टीम से भी ड्रॉप्स हुए हैं इस करके इनको खिलाना चाहिए और काफ़ी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। नंबर चार पे परफेक्ट रहेगा यहां पे राहुल त्रिपाठी। नंबर पाँच की अगर हम बात कीजिए तो यहाँ पे नंबर पाँच पे है एडन मार्करम, क्योंकि आपको बताओ नंबर चार पाँच इनके लिए बेस्ट पोजीशन है जो कि साउथ अफ्रीका टीम के लिए भी यही पोजीशन इनके लिए है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबर यहाँ पे पाँच पे परफेक्ट है यहाँ पे एडन मार्करम, इनको वहाँ पे कोई दो राय और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। नंबर छः पे हमारे पास है यहाँ पे सबसे हम सबको पता है हेनरिक क्लासन। जी हाँ हेनरिक क्लासन से बेस्ट फिनिशर कौन हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम पे जो कि स्पिन को बहुत अच्छे से खेलता हो, डेथ ओवर बहुत अच्छे से खेलता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हेनरिक क्लासन से अच्छा यहाँ पे कोई भी बैट्समैन होने वाला है। नंबर सात पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या आप वाशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हो, या आप अब्दुल समद के साथ जा सकते हो, या आप सनवीर सिंह के साथ जा सकते हो। मैं जाऊंगा यहाँ पे सनवीर सिंह के साथ। जी हाँ अब्दुल समद को क्योंकि मौके काफ़ी ज़्यादा दिए, उन्होंने पिछले साल अच्छा किया लेकिन जब अच्छा करना चाहिए था तब अच्छा नहीं किया, बहुत लेट हो गया अच्छे अच्छे करते करते, इस करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे सनवीर सिंह को मौका दीजिए क्योंकि सनवीर सिंह ने हाल फिलहाल का प्रदर्शन से दिखाया कि उनके अंदर पोटेंशियल कितना अच्छा है। ये आपको फास्ट बॉलिंग का विकल्प भी देंगे साथ में बैटिंग का धुआंधार करते हैं क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इसके लिए मेरी खुद की पर्सनल प्लेइंग 11 है। आप लोग जाकर यूट्यूब पे इनकी एक बारी प्लेइंग 11 की वीडियो इनकी एक बारी बैटिंग देख लोगे उसके बाद आप लोग मेरी बात से एग्री भी कर सकते हो। अब हम बात करें यहाँ पे नंबर आठ पे, तो हम सबको पता है भाई साहब 20 करोड़ ही हम पैट कमिंस हमारे टीम में परफेक्ट बैटर हैं, इनको यहाँ पे नंबर आठ। अब आप एक चीज़ सोच सकते हो नंबर आठ तक हमारी बैटिंग है वो भी हल्की फुल्की बैटिंग नहीं है, बहुत तगड़ी है। अगर आप 200 भी बनवा दोगे किसी दिन हमारे बहुत गेंदबाज बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गए उनका फॉर्म नहीं रहा तो हमारी टीम है 200 भी आराम से चेस कर लेगी, 8 नंबर तक बैटिंग है। नंबर 9 पे हमारे पास है भुवनेश्वर कुमार, 10 पे यहाँ पे हैं मयंक मार्कंडे, 11 पे उमरान मलिक। अब आप लोग सोचोगे स्पिन थोड़ी सी वीक है, जी हाँ स्पिन वीक नहीं है। जी आपके पता हो जो तीन फास्ट बॉलर हो गए आपके भुवनेश्वर कुमार हो गए उमरान मलिक हो गए और पैट कमिंस हो गए, आपके तीन गेंदबाज हो गए और फास्ट बॉलर, और आपके पास मयंक मार्कंडे का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास राहुल त्रिपाठी, जी हाँ आपने सही सुना राहुल त्रिपाठी हो गए, एडन मार्करम हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, ये सारे के सारे यहाँ पे गेंदबाजी ही करते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपको चार ओवर निकलवाना है, क्या आप इन चार से नहीं निकलवा सकते हैं और आपके पास ऑप्शन का सनवीर सिंह का भी रहेगा साथ में अब्दुल समद का भी रहेगा, तो आपके पास बॉलिंग का आप लोग सोचोगे स्पिन थोड़ी सी वीक नहीं है, बिल्कुल वीक नहीं है, आपके पास वीक नहीं है बहुत अच्छी है। यहाँ पे शहबाज अहमद को भी आप में बीच खिला सकते हैं अगर आप सनवीर सिंह शहबाज और अब्दुल समद के बजाय यहाँ पे शहबाज अहमद को भी खिला सकते हैं, बैड ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल प्लेइंग 11 है और मैं बैटिंग अपने दफ्त में ज़्यादा देना चाहता हूँ, बॉलिंग भी मेरी काफ़ी अच्छी है, स्पिन में एक बॉलिंग मेरा कम पड़ रहा है वो यहाँ पे एडन मार्करम ट्रेविस हेड और साथ में अब्दुल समद वगैरह मिलकर सारी चीज़ें पूरा कर सकते हैं, यहाँ तक मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब आप एक चीज़ देखो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, नंबर आठ तक बैटिंग है और ये बैटिंग लाइनअप किसी भी सामने वाले टीम को सरदर्द बन सकती है, और जब सरदर्द एक बारी बन गई तो हम सबको पता है हमारी टीम इस बारी
चैंपियन बनने के कगार पे निकल चुकी है और बननी भी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी टीम मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद की तगड़ी पहले कभी थी जितनी अभी है हाल फिलहाल में, क्योंकि आपके पास हर प्लेयर का वैरायटी और हर प्लेयर का बैकअप है। अपने पास वनंदु असरंगा को इसमें टीम में जगह नहीं मिली है, और एडन मार्कम को निकालने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि IPL 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ था हमने देख लिया है कि वो बंदा क्या कर सकता है। फास्टेस्ट 100 मारने वाला यहाँ पे खिलाड़ी बने थे यहाँ पे एडन मार्करम, तो इनको ड्रॉप नहीं कर सकते हो आप। हैंडी क्लासन को करोगे नहीं बिल्कुल भी, आप पैट कमिंस को 100% खिलाओगे आप लोग, और एक जो है ट्रेविस हेड को इतना महंगा लिया तो खिलाना ही पड़ेगा। तो आप लोग ड्रॉप किसी को भी नहीं कर सकते, अदरवाइज सिचुएशन के हिसाब से एक दो यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। धन्यवाद, 500 लाइक का दोस्तों एम है, करवा दो भाई, करवा दो यार दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।